कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि सरकार के साथ आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। एक ओर जहां बिहार में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, वहीं भागलपुर में भी तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को सुल्तानगंज, शाहकुंड, सबौर, नाथनगर समेत कई जगहों से 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। पिछले 3 दिनों से भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के करीब पहुंच चुकी है, जो खतरे की घंटी है। हालांकि अब तक मायागंज अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से दर्जनों मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और भागलपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी, जबकि जांच रिपोर्ट मृत्यु के 2 दिन बाद आई थी। बिहार में अब तक 3700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष विश्व भर में 70 लाख से अधिक मौतें होती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर के मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार ने बताया कि तंबाकू एवं निकोटीन बीमारियों की जड़ है। डॉक्टर सनातन ने कहा कि देश में तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों के कारण कैंसर मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, ये सबसे पहले 1987 में मनाया गया था और इसमें एक ग्लोबल एपिडेमिक की तरह इसको माना गया है। ये तंबाकू का जो चलन बढ़ते जा रहा है, इसके उपयोग का, इसके 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 नशे का जो आदत पड़ रहा है और खासकर युवाओं में, ये एक एपिडेमिक के समान फैल रहा है। युवा वर्ग से तो मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई आप इससे दूर रहें, क्योंकि युवा वर्ग में अगर कैंसर हुआ मुंह में तो ये बहुत तेज रफ्तार से फैलता है और अगर ये स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला गया तब तो फिर उनके उनके भविष्य की भी गारंटी नहीं रहती कि आगे उनका आयु कितने साल का रहेगा, और ये दोबारा होने का, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा होने का डर रहता है युवाओं में। इसलिए युवा वर्ग से मेरी यही विनती है कि इस चीज से काफी दूर रहें। एक चलन बन गया है आजकल इनके बीच कि तंबाकू खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, इसको एक आजकल फैशन की तरह ले लिया गया है। सिगरेट पीना खासकर उनको लगता है कि सिगरेट पीने से हम बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, या उस तरह का, मतलब एक 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 क्या बोलते हैं उसको, एग्रेसिव एक उनका बिहेवियर दिखता है, तो इस चीज से दूर रहना चाहिए उनको। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर शिवनारायण मेडिकल के डेंटल सर्जन एवं पैरिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने इलाज कराने आए मरीजों से तंबाकू का सेवन नहीं करने का आग्रह किया। साथ ही डॉक्टर सिन्हा ने एक मरीज का इलाज तंबाकू को नष्ट करने के बाद ही शुरू किया। डेंटल सर्जन ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार का थीम युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और तंबाकू एवं निकोटीन के उपयोग से रोकना रखा है। डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने कहा कि नशे के सेवन से व्यक्ति खुद को तबाह तो करता ही है, साथ ही परिवार को भी बर्बाद कर देता है। शहर के डॉक्टरों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों से सेहत और समाज के हित में देखते हुए नशा की आदत को छोड़ने की अपील की है। तंबाकू निषेध दिवस के दिन हम एक सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहेंगे कि तंबाकू के नशा का मजा देगी आपको मौत का सजा, ठीक है। तो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, खैनी, ये सब खाने से कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, सिगरेट पीने से गले का और लंग्स का भी कैंसर होता है। तो तंबाकू एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लत है जो जल्दी छूटती नहीं है। कई बार लोगों में देखते हैं कि वर्षों तक तंबाकू खाते हैं लेकिन कुछ लोगों में कैंसर नहीं होता है। इस कारण से नहीं होता है कि कई बार उनकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन उनमें पायरिया का रोग, जिसमें तंबाकू और खैनी खाने से दांत के इर्द गिर्द की मसूड़ें और दांत के इर्द गिर्द की हड्डी गल जाती है, जिससे दांत हिलने लगते हैं, कमजोर होते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए सिर्फ कैंसर ही का खतरा नहीं है, आपके दांत, आपके मसूड़े, आपके दांत के चारों तरफ की हड्डी भी कमजोर हो जाती है और दांत वो निकल जाता है।
सृजन महाघोटाला की जांच में तेजी आ गई है। शनिवार को प्रवर्तन महानिदेशालय के द्वारा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड से जुड़े 14 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। ईडी के द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, रांची, भागलपुर एवं पटना के 20 फ्लैट को जब्त किया गया। इसके अलावा बिहार में 33 भूखंड एवं मकान, नोएडा, गाजियाबाद एवं भागलपुर की 19 दुकान, एक वैक्स वैगन कार के साथ बैंक खाता में उपलब्ध 4 करोड़ 84 लाख की राशि को भी ईडी ने अटैच किया है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सृजन घोटाला की जांच शुरू की थी। भागलपुर में सृजन के बैंक खातों में 2003-04 से सरकारी राशि की हेर फेर की जा रही थी, जिसमें 557 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खातों से निकाल ली गई थी। सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव मनोरमा देवी की 13 फरवरी 2017 को मृत्यु होने के बाद मामला सामने आया। सरकारी अधिकारी एवं बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का जमकर बंदरबांट किया गया था। ईडी की जांच में सृजन के बैंक खातों में राशि को आरटीजीएस, कैश एवं चेक के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी विभागों से राशि सृजन के खाते में जाती थी। इसके बाद राशि का उपयोग अलग अलग व्यवसाय में किया जाता था। जिला परिषद नजारत शाखा, भू अर्जन, डीआरडीए समेत विभिन्न प्रखंडों के सरकारी खातों की राशि अवैध रूप से सृजन के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। गौरतलब हो कि 8 अगस्त 2017 को भागलपुर में सृजन घोटाला उजागर हुआ था। एसआईटी द्वारा मामले की जाँच की गई थी और बाद में मामला सीबीआई को जाँच के लिए सौंपा गया था। मामले में अब तक पूर्व डीएम, पूर्व डीडीसी समेत कई विभाग एवं बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है, लेकिन शनिवार को ईडी द्वारा की गई कार्रवाई सृजन घोटाला में शामिल लोगों के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन से लोगों को काफी परेशानियां हुई, लेकिन देश एवं देशवासियों के हित में लागू किए गए लॉकडाउन के फैसले के कारण आज आबादी में दूसरे नंबर पर रहने वाला देश दुनिया के कई संपन्न देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। पीएम ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसको देखते हुए समय के साथ लॉकडाउन में काफी ढील दी गई, लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और इससे बचाव के लिए आवश्यक गाइडलाइन के पालन एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। भागलपुर के तिलकामांझी मंडल सुर्खीकल शक्ति केंद्र पर भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को मन की बात सुना। जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनोवेशन, योग, आयुर्वेद, आयुष्मान भारत योजना, कोरोना वॉरियर्स से संबंधित बातों की चर्चा की, जिसमें साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री समस्त देशवासियों की चिंता करते हैं और समाधान के लिए उचित कदम भी उठाते हैं। इस मौके पर देवव्रत घोष, दिलीप निराला, प्रणव दास, इंदु भूषण झा, देवाशीष घोष, प्रवीण झा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। चोर मौका पाते ही सामानों पर हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको चोरी की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें चोर दुकान में चोरी करने के लिए वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वेंटिलेटर में ही फंसकर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल पूरा मामला कटिहार के हरिगंज चौक का है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिसके बाद कटिहार पुलिस को घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। दरअसल शनिवार की रात चोरी के इरादे से एक चोर दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह वेंटिलेटर में ही फंस गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन,
अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था, लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। भागलपुर के नाथनगर करेला गांव में एक शिक्षक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं। शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नाथनगर CO, BDO एवं पुलिस हरकत में आ गई। अधिकारियों के साथ मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। बताया जाता है कि संक्रमित शिक्षक की ड्यूटी भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में लगाई गई थी और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया था। फिलहाल शिक्षक के संपर्क में आए लोगों के चयन का पता लगाया जा रहा है, जिससे सभी की जांच की जा सके। वहीं कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर नूरपुर जाने वाले मुख्य मार्ग, रेलवे क्रॉसिंग, राघोपुर मार्ग, ब्लॉक मार्ग समेत 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। जगह जगह दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। अंचलाधिकारी की देखरेख में कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानों को बंद कराया गया। ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे और इस बीच उनका सैंपलिंग भी हुआ, सैंपलिंग में वो पॉजिटिव पाए गए हैं और इसलिए उसके घर के आसपास के एरिया से 1 किलोमीटर को तत्काल सील किया गया है। टारगेट हम लोगों का कंटेनमेंट जो 3 किलोमीटर का सील करने का है और हम लोग को भी इसको सील करेंगे और जो भी यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनमानस को जो समस्याएँ आएगी, उन समस्याओं को हम लोग करेंगे, आवश्यकता के अनुरूप हम लोग उनको सहयोग भी प्राप्त करेंगे। COVID-19 से उत्पन्न परिस्थिति में किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में डाक विभाग फल पहुंचाने का काम करेगा। अब भारतीय डाक बगीचों से घरों तक आम और लीची पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लोगों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दरअसल इंडिया पोस्ट और बिहार सरकार की पहल पर किसानों के उत्पाद को घरों तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय डाक के जरिए आपके घरों तक मुजफ्फरपुर का शाही लीची और भागलपुर का विश्व प्रसिद्ध जरदालू आम ऑनलाइन ऑर्डर करने पर पहुँच जाएगा।
इसको लेकर भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया कि पटना और भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लिए लीची की बुकिंग 25 मई से शुरू हो गई है, जबकि जर्दालू आम का स्वाद लेने के लिए लोग 1 जून से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पोस्टमास्टर ने कहा कि आम की बुकिंग के लिए सीधे FPO की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है, जिसके बाद डाक विभाग 2 किलो लीची और 5 किलो आम के पैकेट की फ्री होम डिलीवरी करेगा। लॉकडाउन के मद्देनजर डाक विभाग किसान के लिए, खास करके बिहार के किसान के लिए, जैसे आपका लीची है मुजफ्फरपुर का शाही लीची, वो ऑनलाइन बुक करके कोई भी नागरिक जो भागलपुर शहरी क्षेत्र में है या पटना शहरी क्षेत्र में है, ऑनलाइन बुक करके वो मंगा सकते हैं। उसी तरह इसकी बुकिंग 25 से स्टार्ट है, 25 मई से स्टार्ट है, और 1 जून से हम लोग जर्दालू आम जो भागलपुर के आम के किसानों के लिए है, वो सीधे ऑनलाइन बुक करेंगे और हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। डाकघर ये सेवा किसान हित में फ्री में दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मोहित नवानी ने राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में संगठन के बिहार प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। इसके अलावा ईशान सिन्हा को बिहार का प्रभारी भी बनाया गया है। नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। संगठन के चेयरमैन सब ब्रांड एम्बेसडर मोहित नवानी ने लॉकडाउन के दौरान ईशान सिन्हा की टीम द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं ईशान सिन्हा ने संगठन के अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कहते हुए आभार व्यक्त किया है। वेतन भुगतान में देरी को लेकर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत निजी कंपनी के सफाई कर्मियों ने प्रबंधन एवं ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए कहा कि लॉकडाउन में जान जोखिम में डालकर काम करने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने कहा कि A2Z कंपनी के ठेकेदार रूपेश कुमार सिंह ने भुगतान करने की बात 1 हफ्ते के भीतर कही थी, लेकिन पूरा महीना समाप्त हो गया और अब तक भुगतान नहीं किया गया है। वहीं 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मियों ने स्टेशन पर सफाई व्यवस्था ठप कर दी है। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद कार्य करने के दौरान मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजर भी नहीं उपलब्ध कराया गया है। ना ग्लव्स की व्यवस्था, ना मास्क की व्यवस्था, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था, कुछ की व्यवस्था नहीं, फिर भी हम लोग का काम करवाया जा रहा है। ठेकेदार को बोले थे? जी, हम लोग बोले हैं। ठेकेदार बोल रहे हैं कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 दिन के बाद मिल जाएगा, 4 दिन के बाद मिल जाएगा, इस तरह का बात। 1 महीना, दूसरा महीना भी चल रहा है, अप्रैल पार हो गया है, मई आपका खत्म होने वाला, फिर भी बोल रहा है कि 4 दिन के बाद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई प्रक्रिया नहीं। 2 महीने से पैसा हम लोग को नहीं मिला। आपने अधिकारी को बोले, ठेकेदार को बोले? सबको बोल चुके। क्या बोला? कि पैसा नहीं, बोले 1 हफ्ता कर कितना टाइम कर ले लिए, फिर बोल रहे 1 हफ्ता और। क्या कीजिएगा आप लोग? आप लोग जब काम पैसा देंगे तो काम करेंगे।